उमेश पटेल ने दीव नगरपालिका क्षेत्रों के रास्तों पर गड्ढों की समस्या को किया उजागर। दरअसल इन रास्तों पर नगरपालिका द्वारा पाइपलाइन डाले जाने का कार्य किया गया था, जिसके चलते नगरपालिका ने रास्तों की खुदाई कर पाइपलाइन तो डाली मगर यहां रोड बनाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया। मुख्य मार्गों पर किए गए खोदकाम को सिर्फ मिट्टी डालकर ढक दिया गया, जिससे अब बारिश से यही मिट्टी से ढकी सड़क धसक रही है और घुटनों तक के बड़े बड़े खड्डों में तब्दील हो रही है। रोड के धसकने से लोग अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए कई दिक्कतें खड़ी हो रही है, क्योंकि रोड के धसक जाने पर यहाँ वाहन भी नहीं पहुँच पाते। इन्हीं गड्ढों में कई गाड़ियाँ भी फंस चुकी है। उमेश पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन को सड़क की इस समस्या पर जल्द ही कोई निर्णय लेने का आह्वान तो किया है, मगर बारिश के मौसम के आरंभ हो जाने से नगरपालिका क्या सही में इस समस्या के लिए कोई उपाय निकाल पाती है या नहीं, यह अब देखना रहा। बार बार यहाँ दीव में लाइव स्लेक होना पड़ रहा है। क्या आप देख रहे होंगे कि ये पूरे पूरे जो गटर के लिए लाइन डालने के लिए लोगों ने पूरा ये पूरे दीव के रास्ते इन लोगों ने खोद के रखे हैं नगर पालिका क्षेत्र में। अब ये बड़े बड़े खड्डे हैं वो आप देख रहे हैं कि नाले बन गए, और अंदर जो इन लोगों ने पाइप लाइन डाली होगी उसके ऊपर मिट्टी डाले हैं। तो मिट्टी डालने के बाद आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर उतरने के बाद ये आप देख सकते हैं तो ये घुटने तक, यानी एक घुटना इतना घुटना अंदर चला जा रहा है और ये पूरा नाला बन गया है। ये देखिए ये जो मिट्टी है वो ऐसे टूट रही है, ये पूरा देखिए ऐसे मिट्टी गिर रही है। और इनका ये कहना है कि कल कम से कम नहीं तो भी 3 से 4 गाड़ियां इसमें पसीने अंदर गिरी, और यहाँ पर नगर पालिका कचरा लेने आते हैं वो भी आप नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये खड्डे हो चुके हैं। अब ये दीव नगर पालिका के क्षेत्र में सारे रास्ते इसी प्रकार खुद खाद के प्रशासन चला गया है। ये जो हमारी माजी है उनका कहना है उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और बाईपास हुआ है, तो उनको जाना था हॉस्पिटल, तो ये बारिश थी और उसमें ये खड्डे वगैरह थे तो कोई रिक्शा यहाँ आ नहीं पाई बराबर ना, तो इसके चलते उनको इलाज कराने के लिए भी नहीं जा पाए। अब ये पूरा रास्ता कई रास्तों से पंचवटी रोड वार्ड नंबर 4 के क्षेत्र में दीव नगर पालिका को चाहिए कि जब ये रास्ता खत्म हुआ, जब काम पूर्ण हुआ, तो उनको प्रॉपर तरीके से मिट्टी भर के रास्ता बनाया जाए। मगर कहीं पर भी दीव में हमने कल देखा कि पूरे दीव नगर पालिका क्षेत्र में बड़े बड़े खड्डे, आप आगे भी चलो जहाँ भी चलो वो सब खड्डे ही खड्डे यहाँ पर पड़े हुए हैं।